हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ रफीक अहमद और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और ये रही नाया, है कर रही थी गोदी लिया, चुप हो गई है बेटा। देखो सबको बाय कर दो, हेलो सबको कर दो। आज का दिन हमारा शुरू हो गया है और पूरे दिन की शेयर करते हैं आप लोगों से, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। हाँ बेटा, अब जी हो गया है लंच का टाइम और ये बन गई है घर की दम बिरयानी, घर की बेहतरीन बनी हुई दम बिरयानी। हफ्शिन आ जा, कैसी लगी बेटा दम बिरयानी? अच्छा है। अच्छा या बहुत अच्छा? हाँ, हम लोग लंच कर रहे हैं और इनाया देखिए अपने टेडी बियर का कान पकड़ के उससे हम लोगों से नाराज होकर उससे अपना बात कर रही है। या आप लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हो, मैं अपने टेडी बियर का कान पकड़ के उसको समझा रही हूँ यार, बातें कर रही हूँ। नाराज़ हो गई है बिल्कुल, क्योंकि इसके पास नहीं है, हम लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। ये देखिए रात को क्या ही खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल रोड जो है ना पूरा लाइट से, बिल्कुल रोशनी से अलग, खम्भों में लाइट चमक रही है। वो दिखाता हूँ, ये कोई शादी की लाइट नहीं है, ये ऑलरेडी जो है ना राजघाट के आसपास के खम्भों को सजाया गया है परमानेंट। ये देखिए ये पूरा राजघाट अंदर का साइड है, राजघाट का एरिया, और ये खूबसूरत सा पूरे खम्भों में जो है लाइट की रोशनी अलग ही चमक रही है, बहुत बेहतरीन चमक रही है। क्या बात है, शेर की तरह चल रहा है बिल्कुल, है पूरा शेर की तरह चल रहा है। ये है जी अंजुमन पारसी कॉलोनी LNGP, यहाँ पे एक जो है कंप्लेन के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आया हुआ था। रात के करीब 9 बज रहे हैं और काफ़ी सुनसान अंदर जो ये कैंपस है, कैंपस तो नहीं, ये अंजुमन पारसी LNGP कॉलोनी के नाम से है। ये दिल्ली गेट से जस्ट पहले मेन रोड ऑन रोड पे ही है ये गेट, तो यहाँ पे आया हुआ था। तो ये पूरा कैंपस एरिया है और रात के 9 बज रहे हैं तो पूरा सुनसान है। और ये जा रहा था अभी टहल, इसका मालिक जो है डॉग को टहला के ले जा रहा था। यहीं पास में दरियागंज जो है वो न्यू स्टैंडर्ड डेयरी के नाम से है, जो कि फालू रबड़ी फालूदा इतना ज़बरदस्त बनाता है, और एक बार ही खिलाया था अफशिन और नौशिन को तो काफ़ी मज़ेदार लगा। तो उनकी डिमांड आई है कि वो रबड़ी फालूदा जो है वो लेके आना है। तो अब देखो कितने बजे मैं फ्री होता हूँ, 10:30 हो जाए, 11 हो जाए, अभी तो यहाँ पे मैं एंट्री ही नहीं कर पाया हूँ। अभी वो मुझे जो जिसकी कंप्लेन में आया हूँ वो मुझे अभी गेट से रिसीव करके लेके जाएगा, तो वो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं, उसके बाद फ्री होके। वैसे तो वो 12, 12:30, 1 बजे तक वो फालूदा वाला बैठा रहता है, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली का एरिया है। यह जी पहुंच गया दरियागंज की जो सबसे फेमस रबड़ी फलूदा वाले हैं वहाँ पे, वो दिखाता हूँ। अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो इसलिए शायद भीड़ नहीं है और रात ज़्यादा हो गई है। है रबड़ी फलूदा, जो एक बार खा ले तो यकीनन जो है ना बार बार आके खाने का दिल करेगा। बहुत पुरानी शॉप है और क्या टेस्टी और क्या ज़बरदस्त बनाता है। बच्चों को जो है एक बार खिलाया था तो उन्होंने कहा कि जब भी जाओ वहाँ से गुजरो तो पैक करा के जरूर लाना फालूदा, बहुत बेहतरीन बनाते हैं, बहुत पुरानी शॉप है। अभी फालूदा बनवाते हैं, पैक करवाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि तो काफ़ी लेट हो गया है, मुझे भी भूख लग रही है, ठंड लग रही थी, अब तक कैप निकाला नहीं था, अब जो है कैप निकाल लिया है। और रात दिन और रात ऐसा काम ही है मेरा कि बस घूमते रहना, इसलिए जो है ना संडे को घूमने का दिल नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो घूमना पड़ता है और उनको कहीं ले जाना पड़ता है। वहाँ की इतना मिजाज थक जाता है घूम घूम के कि बस परेशान हो जाता हूँ, सोचता हूँ बस आज रिलैक्स हो जाऊँ। तो बस जी आप जो है घर के लिए निकलने की तैयारी हो चुकी है, ग्लव्स निकालने वाला हूँ। ये देखिए ग्लव्स भी निकल चुके हैं और क्योंकि ठंड हो रही है, इस वाले पुल में जो है ना, ये वाले पे, ये नाले वाले वाला जो है वो मास्टर रोड जो दरियागंज और पुरानी दिल्ली जो कनेक्ट होता है ना, तो ये नए वाला फ्लाईओवर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि यमुना नदी, ये नीचे यमुना नदी है, यमुना नदी के ऊपर ही ये बना हुआ है,
बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये बाइक शॉप में रुक गए हैं, बाइक की ब्रेक शू और जो पीछे का बैक लाइट होता है, क्योंकि रात को ज़्यादा चलता हूँ और ब्रेक जब लगाता हूँ या फिर लाइट जब हेडलाइट होती है तो वो बल्ब ख़राब है बैक वाली, कोई पीछे से आके ठोक ना दे, इसलिए वो बल्ब लगाना ज़रूरी है। और ब्रेक भी थोड़ी सी कम है तो ब्रेक शू भी साथ ही साथ चेंज करवा रहा हूँ। ये अभी शॉप भाई ने खोल रखी है, बस शटर हाफ गिर ही चुका है, वो तो मैं पहुँच गया और रोक लिया। मैंने कहा भाई करी तो सुबह, फिर कब कुछ पता नहीं, सुबह जो है कहीं जा पड़ जाए तो दिक्कत है, इसलिए लगवा लेता हूँ। फिर ये है जी मेहता वाला वो रबड़ी फालूदा, अब ये परोसा जा रहा है घर के अंदर बच्चों को देने के लिए। और वैसे इतना ज़्यादा है कि चार लोग हम लोग बड़े आराम से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, और एक फालूदा जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में है। तो अब ये लोग फिलहाल खाएंगे, अब मैं हाथ मुंह धो लूँ, ज़रा इत्मीनान हो जाऊँ, फिर इत्मीनान से मैं खाऊँगा, तब तक बच्चे खाएंगे। मुँह में टच करो, पानी पानी आ जाएगा, तू आई पागल से अच्छे पागल जो है, मैं बड़ा पागल खड़े हैं। फालूदा खा रहे दोनों बैठ के, देखो मजे से, रोज कुछ ना कुछ चाहिए इन लोगों को, आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बाहर की चीज़ें ऑनलाइन फट से ऑनलाइन करेंगे, ये मंगवाओ वो मंगवाओ, और मेरी इनाया ये तो कुछ नहीं खाएगी, बस सो के देखती रहती है दोनों को। नौशीन तुम कहाँ उछल उछल के खा रही हम मज़ा नहीं आ रहा ना घर में बैठ कर खाने में मज़ा नहीं आ रहा है नौशीन को क्या हुआ खड़े हो खाने का जो मजा होता है ना, आए आता है वो भले ही एक गिलास ही हो। हाँ ये तो है, एक गिलास होता है और भले ही कम कम खाओ लेकिन तब भी उसका मजा कुछ और है, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। अब ये क्या ही है, ये घर में बैठ के खाओ कुछ अलग ही लगता है कि यार तो नहीं लगता है, टेस्ट ही बदल गया घर में आने के बाद, स्वाद ही लगता है बदल गया, ये तो है, पर क्या करोगी, ऐसे ही काम चलाना होगा। पापा रहते हैं तो लेके जाते हैं, अभी पापा रह नहीं रहे हैं, लेट लेट आते हैं तो